देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है और तीसरी लहर आने की भी संभावना बताई जा रही है। इस खतरे की वजह से ही देश में CBSE और ICSE बोर्ड के अलावा कई अन्य स्टेट बोर्ड ने 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इसके अलावा राजस्थान में नए एकेडमिक सेशन की तैयारी पूरी कर दी गई है। इसी वजह से राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने 15 जून 2021 से स्कूल शुरू करने के प्रबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। इस वीडियो में आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि किन राज्यों में स्कूल खोलने को लेकर क्या प्लानिंग है, किस तारीख तक स्कूल खुल पाएंगे, कहाँ खुलेंगे, कहाँ नहीं खुलेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या विहार कंप्यूटेशन क्लासेस में और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम आपके ज़रूरत की ही खबरें लेकर आते हैं। तो आइए अब खबर में डिटेल्स में चलते हैं और आपको बताते हैं कि राजस्थान शिक्षा विभाग ने वार्षिक कैलेंडर भी जारी कर दिया है। इसमें स्कूल में वर्ष भर में होने वाली गतिविधि और टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद जून में स्कूल खुलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि 15 जून से स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, परंतु अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। स्थिति सामान्य होने पर ही स्कूलों को खोलना संभव हो पाएगा। मंत्री समूह सप्ताह में कोरोना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगे और अगर संक्रमण काबू में रहेगा तो ही फिर से स्कूल खोलने को लेकर विचार किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने स्कूल खोलने के लिए ऑनलाइन सुझाव भी मांगे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में कहीं सीमित लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाने जैसे सख्त प्रतिबंध जारी हैं। लंबे समय बाद खुले स्कूल कॉलेज गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र के कई इलाकों में फिर से बंद करने पड़े। पंजाब बोर्ड ने भी बोर्ड परीक्षाओं को एक महीने के लिए टाल दिया है। अब आपको हम बता रहे हैं कि किस राज्य में स्कूल कब से खुलेंगे। तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता दें। उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान अगले आदेश तक बंद ही रखने का आदेश है। अब अगली आदेश कब आती है इसे देखना है। राजस्थान की शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को 7 जून से खोलने के निर्देश दे दिए हैं। राजस्थान में 7 जून से स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन इस दौरान छात्रों को कक्षा में नहीं बुलाया जाएगा बल्कि स्टाफ ही स्कूल में आ रहे हैं। और 16 जून से तैयारी है कि बच्चों को भी स्कूल में बुलाया जाए। मध्य प्रदेश में 15 जून से स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन स्कूल कोचिंग और कॉलेज को अभी बंद ही रखा जाएगा। अब बिहार की बात करें तो बिहार सरकार ने भी फिलहाल जुलाई तक सभी स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटरों को बंद रखने का आदेश दिया है। हालांकि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक को लेकर 16 जून तक कोई और फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली में सरकार ने स्कूलों को खोलने का कोई फैसला नहीं लिया है। एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले निपटने के बाद ही स्कूलों को खोलने की बात की जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। इस वजह से स्कूलों को बिना परीक्षा के कक्षा 8 तक के छात्रों को बढ़ावा देने का आदेश दिया गया है। छत्तीसगढ़ में स्कूल और कॉलेजों को अगली सूचना तक पास रहने का आदेश दिया गया है। तमिलनाडु में राज्य सरकार ने बिना परीक्षा के प्रमोट किए कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र। राज्य सरकार का कहना है कि स्कूल केवल तभी खुलेंगे जब लॉकडाउन हटाया जाएगा। कोरोना की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा। पंजाब राज्य में मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद ही रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। अगली आदेश का इंतजार है। अगली आदेश आने के बाद ही सभी राज्यों में स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। आप किस राज्य से हैं और किन राज्यों में स्कूल खुलने की तैयारी का इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करते रहिए और खास अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।